हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे Asus ZenFone 7 के कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन और लीक्स के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन ऑफिशियली कब लॉन्च होगा और इसका प्राइस इंडिया में कितना हो सकता है। तो कुछ दिनों पहले Asus ने एक टीजर लीक करके हमें ये बताया कि Asus ZenFone 7 के अंदर भी आपको वही सेम टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा जिस तरह से आपको Asus ZenFone 6 में देखने को मिला था। यानी कि इस बार भी आपको वही फ्लिप कैमरा टेक्नोलॉजी Asus ZenFone 7 के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि ये सही भी है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है कोई और स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरफ से आपको देखने को नहीं मिला है, एक्सेप्ट सैमसंग, जिसके अंदर कुछ-कुछ इसी तरीके का टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रहा था A80 के अंदर। और इस बार आपको Asus ZenFone 7 के अंदर बहुत ही पावरफुल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ में 90 हर्ट्ज का या फिर 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगा। और जैसे कि यहां पर आपको फ्लिप कैमरा डिजाइन मिलता है, तो इसके वजह से कोई भी आपको यहां पर नॉच या पंचोल देखने को नहीं मिलेगा, एकदम फुल एज टू एज डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगा। और इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहां पर हमें लगता है कि इस बार Asus ZenFone 7 सीरीज के अंदर दो अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंट आपको Asus ZenFone 7 के नाम से मिलेगा और जो टॉप वेरिएंट होगा ये आपको ZenFone 7 Pro के नाम से देखने को मिल सकता है। और इसका जो बेस वेरिएंट होगा इसके अंदर आपको Snapdragon 865 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और जो प्रो मॉडल होगा इसके अंदर आपको Snapdragon 865 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो ये अभी हम इसके रूमर्स के हिसाब से बता रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी प्रोसेसर आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगा। और हाँ, इन दोनों ही फोन में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे 8GB रैम, 6GB रैम, 12GB रैम और साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज और 256GB का भी इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो मेन ट्विस्ट है ये आपको कैमरे में देखने को मिलेगा, क्योंकि Asus ZenFone 7 सीरीज के अंदर आपको फ्लिप कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिलता है, तो इसके वजह से जो बैक कैमरा है वही आपका फ्रंट कैमरा भी है, तो दोनों सेम है। तो इस बार Asus ZenFone 7 सीरीज के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा लेंस आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, सेकंड में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और थर्ड में शायद आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ या फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल सकता है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि पीछे जो कैमरा है ये आपको फ्रंट में भी देखने को मिलेगा, तो हाँ, यहाँ पर फ्रंट में भी आपको वही सेम फीचर मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस, 8 मेगापिक्सल का वाइड या फिर जितना भी कैमरा स्पेक्स है ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और इसके बैटरी के बारे में बात करें तो इस बार Asus ZenFone 7 के अंदर 5000 mAh का बिग बैटरी आपको देखने को मिलेगा, साथ में 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको इस बार इस फोन में देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको एकदम पावर पैक फीचर देखने को मिल जाएगा। तो अभी फाइनली हम बात करेंगे इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन है आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा 26 अगस्त को। जी हाँ, 26 अगस्त को ये सबसे पहले ताइवान में लॉन्च होगा, उसके बाद आपको ये इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक को आपको ये फोन इंडिया में ऑफिशियली देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इसके प्राइसिंग को गेस करें कि किस प्राइस रेंज में आपको ये फोन इंडिया में देखने को मिलेगा, तो इसका जो बेस वेरिएंट है हमें लगता है कि ये फोन आपको इंडिया के अंदर 35,000 से 40,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा हाई प्राइस्ड आपको ये फोन देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली कुछ अलग टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये फोन मिलता है, सो इसका प्राइस भी आपको थोड़ा सा हाई शायद देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।